जब आप कैफे जाते हो तो यूजुअली कैपेचिनो लाटे या मोका में से कोई एक कॉफी ऑर्डर करते हो, पर इन सबों में फर्क क्या है? जबकि सबके बेसिक इंग्रेडिएंट एक्सप्रेसो और मिल्क ही होता है। एक्सप्रेसो जो कॉफी पाउडर और सिर्फ पानी होता है, ये दूसरी कॉफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब कैपेचिनो की बात होती है तो इसके सबसे नीचे लेयर में एक्सप्रेसो, फिर मिल्क और सबसे ऊपर मिल्क फोम बराबर मात्रा में होते हैं। यह कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग और सबों की फेवरेट होती है। लाटे में कैपेचिनो की तरह सेम इंग्रेडिएंट होती है, सेम सीक्वेंस में। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें मिल्क की मात्रा डबल होती है, इसलिए कॉफी थोड़ी क्रीमी, मिल्की और लाइट हो सकती है। मोका थोड़ा अलग है। इसे स्पेशल बनाने के लिए कैपेचिनो के मिल्क फोम में चॉकलेट ऐड किया जाता है, जिससे ये कॉफी थोड़ी मीठी और चॉकलेटी हो जाती है। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप इसे ट्राई करें।